उत्तर प्रदेश के कन्नौज में देर रात एक विचाराधीन कैदी की तेज दर्द के बाद मौत हो गई। मृतक कैदी एडीजे प्रथम कोर्ट में पेशी पर आया था। उस पर चोरी, जालसाजी और जानलेवा हमले के 3 मुकदमे चल रहे थे। 5 माह पहले मैनपुरी के इस कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मैनपुरी के राजीव गांधी नगर का 60 वर्षीय करु कश्यप उर्फ धनी राम कन्नौज जिला जेल में बंद था। 5 महीने पहले जुलाई में पुलिस ने उसे 3 मामलों में गिरफ्तार किया था। सभी मामलों में एडीजे प्रथम की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बुधवार को भी वो जेल से बाकी कैदियों के साथ 40 से कोर्ट पेशी पर आया था। दोपहर में अचानक कोर्ट बंदीगृह में उसने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। दर्द के कारण वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ये देखकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देर रात जिला अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों की सहमति पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। स्ट्रीट पल्स के लिए कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कैदी मृत पेशी पे आया था, तो वहाँ पे बताया गया कि उसको क्या हुआ है पता नहीं, बता पुलिस वालों से ये सूचना मिली कि उसको हार्ट अटैक आया था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते वो मृत अवस्था में ही पहुँचा। कमलेश नाम का मृतक व्यक्ति था, जो कि यहाँ की जिला जेल में निरुद्ध था, उसको पेशी पे आया गया तो यहाँ पहुँचे तो मृत अवस्था में था। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस को सुपुर्दगी कर दी गई, मॉर्चरी में रखवा दी। क्या नाम है आपका? नवीन कश्यप। कहाँ के रहने वाले? मैनपुरी। कौन था? पापा। कैसे इनकी मृत्यु हुई, क्या जानकारी मिली? अभी मुझे जानकारी कुछ नहीं, फोन आया था, ये बोला उनके पेट में दर्द उठा, इसलिए वो खत्म हो गए। ये यहाँ पे जेल में थे? यहाँ पे ही। किस मामले में जेल में थे? ये लड़ाई कुछ यानी तारीख वारीख नहीं कर पाई उन्होंने, तो वारंट बने गए थे, इसलिए उन्होंने हाजिर कर दिया था। कब से ये जेल में थे? ये हो गए नॉर्मली 5-6 महीने। 5-6 महीने जेल में। कितनी उम्र होगी आपके पापा की? हमारे पापा की उम्र होगी कम से कम 45-55 की। क्या नाम है पापा का? नाम श्री करु कश्यप उर्फ धनी राम। कौन सी जेल?